Hello students, in this video we will study about irrational numbers and representation of irrational number on number lines. So we are moving on irrational numbers today. मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी समझाए थे रैशनल नंबर समझाए थे और रैशनल नंबर के बारे में हमने सीखा था. दो रैशनल नंबर के बीच में हम और रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आज हम इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे. तो लेट्स मूव ऑन इरेशनल नंबर्स. नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर नोन एज इरेशनल नंबर. जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं हैं वो इरेशनल नंबर्स होंगे. या फिर हम ये कह सकते हैं वी कैन से नंबर विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर इरेशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे. q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता. मैंने आपको समझाया था डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे. एग्जाम्पल्स रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स आर इरेशनल नंबर्स. रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. नेक्स्ट हमने रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर. रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट इलेवन, रूट थर्टीन अप टू सो ऑन. इन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनकी एग्जैक्टली लेंथ निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ रूट टू. नाउ इन एट्थ क्लास यू कैन फाइंड रूट टू यूजिंग स्केयर रूट मेथड 1.414 अप टू सोन एंड रूट थ्री 1.732 अप टू सोन. बट यहाँ पर हमें एग्जैक्टली लेंथ रूट टू चाहिए, हमें अप्रॉक्सीमेट लेंथ नहीं निकालनी. हमें अप्रॉक्सीमेट रूट टू 1.414 कैसे हम स्केल पे मेज़र कर सकते हैं उसको हम स्केल पे मेज़र नहीं कर सकते. तो हमें अप्रॉक्सीमेट लेंथ नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली रूट टू लेंथ चाहिए, हमें एग्जैक्टली रूट थ्री लेंथ चाहिए, हमें एग्जैक्टली रूट फाइव लेंथ चाहिए, हमें एग्जैक्टली रूट सेवन लेंथ चाहिए. तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम का पता है. पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है, एट्थ क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, सेवन्थ में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है. पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ स्केयर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्केयर ऑफ थर्ड साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, दैट इज हाइपोटेन्यूज. दो साइड के स्केयर का सम, एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड के स्केयर का सम हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल होता है. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में सीखा है. इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमें रूट टू लेंथ निकालना है, रूट थ्री लेंथ निकालना है, रूट फाइव लेंथ निकालना है, रूट सिक्स लेंथ निकालना है और एनी अदर लेंथ रूट सेवन, रूट इलेवन हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाए हैं और इन राइट ट्राइंगल्स में मैंने हाइपोटेन्यूज को जो भी लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है वो लेंथ लिया है. जैसे मुझे रूट टू फाइंड आउट करना है तो मैंने हाइपोटेन्यूज को रूट टू लिया है. जैसे मुझे रूट थ्री फाइंड आउट करना है तो मैंने हाइपोटेन्यूज को यहाँ पर रूट थ्री लिया है. जैसे मुझे रूट फाइव फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पर रूट फाइव हाइपोटेन्यूज लिया है. अब मुझे रूट टू फाइंड आउट करना है, मैंने हाइपोटेन्यूज को पहले ही रूट टू ले लिया है. मुझे दो नंबर इस तरीके से चूज़ करने हैं या ये कहिए दो लेंथ परपेंडिकुलर और बेस मुझे इस तरीके से चूज़ करने हैं कि इनके स्केयर का सम इसके स्केयर के इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर होता है. तो हमें दो नंबर इस तरीके से चूज़ करने हैं कि हाइपोटेन्यूज उन दोनों के स्केयर का सम हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल आना चाहिए. यहाँ पर रूट टू है तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस को वन और वन लिया है तो वन का स्केयर वन होगा, वन का स्केयर वन होगा, वन प्लस वन कितना आएगा रूट टू आएगा. रूट टू
वन प्लस वन टू आएगा, सॉरी वन स्केयर प्लस वन स्केयर टू हो गया, रूट टू के स्केयर के इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इक्वल टू हाइपरन्यूज स्केयर। सिमिलरली रूट थ्री को मैंने हाइपरन्यूज लिया है, तो मुझे यहाँ परपेंडिकुलर और बेस दो लेंथ इस तरीके से चूज करनी है कि इनके स्केयर का सम रूट थ्री के स्केयर के सम स्केयर के इक्वल होना चाहिए। वन का स्केयर वन, रूट टू का स्केयर टू, टू प्लस वन थ्री, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री स्केयर इक्वल टू थ्री। सिमिलरली रूट फाइव को चूज करने के लिए मैंने यहाँ पर वन लिया है और यहाँ पर टू लिया है। वन का स्केयर वन, टू का स्केयर टू, फोर, फोर प्लस वन फाइव, दैट इज इक्वल टू रूट फाइव स्केयर। ये आपको थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हम दो लेंथ कौन कौन सी लें जिनके स्केयर का सम हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल आ जाए। मैंने ये ईजिएस्ट नंबर चूज किए हैं। यहाँ पर आप देखिए रूट थ्री, जब हम रूट थ्री फाइंड आउट कर रहे हैं तो इधर हमें रूट टू लेना पड़ रहा है। दैट मीन अगर हमें रूट थ्री फाइंड आउट करना है तो हमें पहले रूट टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम रूट सिक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं दो तरीके से, एक बार हम परपेंडिकुलर की लेंथ वन ले रहे हैं और बेस की लेंथ रूट फाइव ले रहे हैं। वन का स्केयर वन, रूट फाइव का स्केयर फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, दैट इज इक्वल टू रूट सिक्स का स्केयर। या फिर टू का स्केयर फोर, रूट टू का स्केयर टू, फोर प्लस टू सिक्स, दैट इज इक्वल टू रूट सिक्स स्केयर। तो इन दोनों लेंथ को चूज करने के लिए या तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट सिक्स को चूज करने के लिए हम वन और रूट फाइव यूज कर सकते हैं या फिर टू और रूट टू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रूट फाइव को सॉरी रूट सिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें रूट फाइव चाहिए, तो रूट फाइव पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रूट सिक्स के लिए। अगर मैं इसको भी यूज करता हूँ, रूट टू और टू को लेता हूँ, तब भी मुझे रूट टू को क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा रूट सिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको अपने दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर और बेस इस तरीके से लेने हैं कि इनके स्केयर का सम हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल आ जाए। अब हम इसको बनाना सीखेंगे कि हम इसको नंबर लाइन पर किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है इसके अंदर, तो आपको सबसे पहले मैं रूट टू की कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा। फर्स्ट वन जो पहली हमारे पास ये हमारा रूट टू बना हुआ है, तो हम इसमें रूट टू हम कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन पे आपने स्केल से एक लाइन खींचनी है, स्केल से एक लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करना है और स्केल आपने जो लेना है, जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं, लेंथ लेनी है मुझे वन टू थ्री फोर फाइव, वो किस तरीके से चूज़ करने हैं। आपने स्केल का सेंटीमीटर वाला हिस्सा चूज़ नहीं करना, उसको इंचेस में लेना है और आपने इसका इस्तेमाल करना है इस तरीके से। उल्टी साइड आप देखेंगे जो मैं रख रहा हूँ इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से लेना है ज़ीरो वन टू इंचेस वाला जो है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये कंजस्टेड ना हो, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारी वो कंजस्टेड ना हो। थोड़ा खुला खुला लेंगे तो ये हमारा वन यूनिट हो जाएगा, उसके बाद फिर टू आ गया, फिर थ्री आ गया, फिर फोर आ गया, फिर फाइव मार्क किया, फिर सिक्स मार्क किया। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मार्क कर लेने हैं। ज़ीरो को हमने ओ पॉइंट मार्क कर लिया है और बाकी जो लेंथ हैं वन टू लेते हुए वन टू थ्री फोर फाइव तक हमने लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने रूट टू को, जब हमने लेंथ फाइंड आउट किया था तो हमने मेज़रमेंट लिया था वन और वन, तो यहाँ से O से लेकर 1 तक या 0 से लेकर 1 तक ये हमारी 1 लेंथ है, तो यहाँ पे हमारा 1 लेंथ आ चुका है। इसके बाद हमें 1 लेंथ और चाहिए, बेस हमारा 1 हो चुका है, अब हमें परपेंडिकुलर 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 के ऊपर
प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वन के ऊपर, इस वन के ऊपर जहां मैंने वन वन लिखा हुआ है इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अपनी कंपस से वन यूनिट लेंगे, जैसे कि इसमें मैंने वन यूनिट यहां से इस तरीके से वन यूनिट लिया है, ये आप वन यूनिट लेंगे और वन यूनिट का मार्क इधर की तरफ आप आर्क लगाएंगे, एक वन यूनिट मार्क आर्क लगाएंगे, ये वन यूनिट का लेंथ आ गया। तो वन यूनिट ये आपके पास लेंथ आ गया, ये वन यूनिट लेंथ आ गया। इसके बाद आप जीरो को या ओ को ए से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, दैट इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर। दैट मीन जो लेंथ ओ ए हमें फाइंड आउट होगी वो रूट टू लेंथ होगी, वो लेंथ कौन सी होगी, रूट टू। अब इस रूट टू को आप क्या करेंगे, ओ पे अपना कंपस रखेंगे और रूट टू जितना रेडियस लेकर इस तरीके से जैसे मैंने डॉटेड में नंबर लाइन के ऊपर धीरे धीरे ले जाते हुए एक आर्क लगाएंगे, ये जो आर्क आएगी इसको आप पी पॉइंट मार्क करेंगे। ये पी पॉइंट हमारा रूट टू को शो करेगा, ये पी पॉइंट जो होगा वो हमारा किसको शो करेगा, रूट टू को शो करेगा। पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा बिकॉज आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ये मैंने किस तरीके से बनाया है, तो आप बड़े प्यार से इसको रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रूट थ्री। रूट थ्री को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, रूट थ्री को शो करने के लिए हमने जो लेंथ ली थी वो ली थी वन और रूट टू, यानी परपेंडिकुलर और बेस जो हमने लिए थे वो वन और रूट टू लिए थे। तो इसके अंदर हमें रूट थ्री फाइंड आउट करना है, रूट थ्री लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले रूट टू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी हमें रूट टू को फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा पहले की तरह, जैसे मैंने पहले लिया स्केल से उसी तरीके से, जो इंचेस वाला स्केल है आप उसको लेंगे इसके लिए, ताकि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंजेस्टेड ना हो, खुला खुला बने। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसके बाद रूट टू की कंस्ट्रक्शन करेंगे दोबारा से, जैसे मैंने अभी रूट टू का कंस्ट्रक्शन किया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वन लेंथ आपका बेस हो गया, फिर वन के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वन से ए तक का, वन के ऊपर अपनी कंपस रखकर वन रेडियस का एक आर्क कट करेंगे ए पर, और ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से जो ओ ए लेंथ आएगी वो आपकी रूट टू आएगी। पहले की तरह आप रूट टू लेंथ को नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें रूट थ्री फाइंड आउट करना था, हमें बेस मिल चुका है रूट टू, यानी कि लेंथ ऑफ बेस इज रूट टू। रूट टू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद बेस हमारे पास रूट टू आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर वन चाहिए, तो हम वन यूनिट की आर्क रूट टू के ऊपर अपनी कंपस रख के वन यूनिट की आर्क इस तरीके से कट लगा देंगे। यहाँ ओ से लेकर रूट टू तक, जीरो से लेकर रूट टू तक रूट टू, और रूट टू से लेकर बी तक वन की आर्क लगी हुई है, यानी ये लेंथ रूट टू है और ये लेंथ हमारी वन है। रूट टू का स्केयर टू हो गया, वन का स्केयर वन हो गया, टू प्लस वन थ्री, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री का स्केयर। ओ बी को आप ज्वाइन कर देंगे, ओ बी को ज्वाइन करने से आपको रूट थ्री मिल जाएगा, यानी रूट थ्री लेंथ आपके पास ओ से लेकर बी तक की लेंथ ओ बी है रूट थ्री। और फिर पहले की तरह जैसे मैंने रूट टू में कंस्ट्रक्ट किया था, ओ के ऊपर आप अपनी कंपस रखेंगे और ओ बी जितना रेडियस लेके एक आर्क यहाँ रूट थ्री का नंबर लाइन के ऊपर कट लगा देंगे, ये आपका पॉइंट क्यू मार्क हो जाएगा। क्यू पॉइंट रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इरेशनल नंबर रूट फाइव।
रूट फाइव के लिए हमने जो लेंथ ली थी वो ली थी 1 और 2, यानी कि बेस हमने 2 लिया, 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने कितना लिया, 1 लिया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले की तरह आपने स्केल से क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on, आपने 2 लेंथ लिया बेस का, बेस का 2 लेंथ लेने के बाद आपने 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपके पास बेस आ चुका है 2, अब आपको परपेंडिकुलर चाहिए 1, तो आप क्या करेंगे, 2 के ऊपर अपना कंपास रखेंगे और 1 यूनिट का रेडियस लेकर सी पॉइंट मार्क कर देंगे परपेंडिकुलर वाली लेंथ पर, 90 डिग्री वाली लेंथ पर आप 1 यूनिट का मार्क कर देंगे इस तरीके से, और ओ को सी पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, दैट इज़ रूट 5 का स्क्वायर। तो ओ सी जो लेंथ आएगी वो हमारी रूट 5 आएगी, हमें लेंथ फाइंड आउट हो गया, रूट 5 लेंथ फाइंड आउट हो गया। अब हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम ओ के ऊपर, ओ के ऊपर अपनी कंपास रखेंगे और रूट 5 जितना लेंथ लेकर डॉटेड में इस तरीके से डॉट 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 लगाते हुए एक आर्क लगाएंगे रूट 5 की, रूट 5 की आर्क इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगी। कहाँ पर आपने कंपास रखनी है, ओ के ऊपर, ओ के ऊपर आप अपनी कंपास रखेंगे और रूट 5 की आर्क इस तरीके से, रूट 5 की आर्क इस तरीके से लगा देंगे। मैं आपको शो करता हूँ, ये इस तरीके से मेरा हाथ आ रहा था, ये इस तरीके से रूट 5 को आप इस पे मार्क कर देंगे। तो ये जो आर पॉइंट आएगा, दिस इज़ आर पॉइंट, आर पॉइंट रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रूट 5 को शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रूट 6 आता है, रूट 6 आपके पास जो है, मैंने आपको 2 लेंथ बताई थी रूट 6 के लिए, आप 1 और रूट 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, या फिर आप 2 और रूट 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर 2 और रूट 2 का इस्तेमाल किया है, तो जब मैं 2 और रूट 2 का यूज़ करूँगा तो मुझे सबसे पहले रूट 2 को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें रूट 2 बनाने के लिए अपनी पहली कंस्ट्रक्शन के पास जाना पड़ेगा रूट 2 बनाने के लिए। तो पहली कंस्ट्रक्शन में हमने रूट 2 बनाया था, तो रूट 2 हमने किस तरीके से बनाया था, सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले स्केल की हेल्प से आपने लेंथ लेनी है, 1 लेंथ, फिर 2 लेंथ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आपको मैंने बताया कि आप इंचेस स्केल का यूज़ करेंगे ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन कंजस्टेड ना बने, इसलिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट 2 की कंस्ट्रक्शन के लिए 1 के ऊपर, 1 लेंथ के ऊपर, बेस हमारा 1 है, 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर 1 के ऊपर आर्क रखकर, 1 के ऊपर अपना कंपास रखकर और एक आर्क लगाएंगे 1 यूनिट का ही, 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे और उसके बाद ओ ए को ज्वाइन कर देंगे, जो कि हमारा लेंथ रूट 2 आ जाएगा, लेंथ कौन सा आएगा, ये हमारा रूट 2 आ जाएगा। अब लेंथ रूट 2 फाइंड आउट हो चुका है हमारे पास, इसके बाद हमें जो रूट 6, मेन एम हमारा रूट 6 निकालना था, रूट 6 के लिए हमने लेंथ ली है 2 एंड रूट 2, रूट 2 हमारा फाइंड आउट हो चुका है, बेस को हमने 2 लिया, 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर उसके बाद 2 के ऊपर अपनी कंपास रखते हुए रूट 2 जितनी लेंथ, रूट 2 जितनी लेंथ कितनी है, ओ ए जितना रेडियस लेके और 2 के ऊपर अपनी कंपास रख के डी पॉइंट कट कर दिया, ओ डी को हमने ज्वाइन कर दिया, ओ डी को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ दिस लेंथ इज 2, दिस लेंथ इज रूट 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 प्लस 2 6, सो ओ डी इज रूट 6। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ओ से ओ के ऊपर हमने कंपास रख के डी जितना कंपास आपने खोलना है, डी जितना रेडियस लेना है, दैट इज़ रूट 6,
और फिर उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ रूट सिक्स को किस तरीके से मार्क करेंगे आप, ओडी जितना आप कंपस खोलेंगे और इसको धीरे 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 डॉटेड में, और यहाँ पर आके आपने एक आर्क लगा देना है। ये आपका रूट सिक्स होगा। अब आप इसको पॉइंट को नाम दे सकते हैं, एस नाम दे दिया हमने, सो पॉइंट एस, पॉइंट एस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट रूट सिक्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार अपने आप से, रूट टू की, रूट थ्री की, रूट फाइव की, रूट सिक्स की। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार रिपीट करेंगे अपने आप से। कोई डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में प्ले करेंगे। थैंक यू।